हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अलग है। द रीज़न बीइंग मैं मम्मी के यहाँ हूँ एंड राखी का टाइम है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बी सेफ आउट देयर एंड एंजॉय योर राखी। सो अबाउट दिस वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। सो इस बार जो मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो एक्चुअली अपैरल है। मैंने लहंगे ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से, और मैंने जो लहंगों का बजट रखा था इस बार दैट वॉज बिलो 500। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि किस तरीके के लहंगे आते हैं, एंड रिव्यूज वर ओके, नॉट दैट ग्रेट, बट देन आई स्टिल वॉन्टेड टू ट्राई। सो अब ये जो लहंगे थे वो वेबसाइट पे तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन आने के बाद किस तरीके के ये एक्चुअल लहंगे होते हैं, इनका मटेरियल क्या होता है, आर दे एक्चुअली वर्थ द, आई ऑलरेडी ओपन्ड द पैकेट्स, आई हैव नॉट सीन टू लहंगाज, आई ऑलरेडी सीन वन बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो वो लहंगा मैं आपको सबसे आखिरी में दिखाऊंगी। अलॉन्ग विद दैट जब मैं आपको लहंगे दिखाऊंगी, एक साइड में मैं पिक डाल दूंगी। नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मेरा जो सबसे पहले लहंगा आया है, मैं पैकेट से ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, सो दे आर जस्ट इन द ट्रांसपेरेंट बैग। सो ये मेरा सबसे पहले लहंगा है। इसका जो पिक है वो मैं यहाँ साइड में डाल दूंगी। इसका जो वेबसाइट पे पिक है वो पहले मैं डाल देती हूँ, और उसका अलॉन्ग विद दैट उसका जो प्राइस है जो मैंने पे किया है वो भी मैं डाल दूंगी। तो आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि वो वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है और आने के बाद कैसा वो एक्चुअली दिखता है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। सो इस तरीके का कुछ ये लहंगा है, आप देख सकते हैं पूरा फ्लोरल प्रिंट है, ये इस तरीके का है। इसका नीचे का लेंथ काफ़ी अच्छा है, ये देखिए इस तरीके का कुछ पूरा फ्लोरल प्रिंट वाला लहंगा है। एंड पर इसकी जो मुझे घेर है, जो इसका घेर था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी कम लग रहा है इसका जो घेर है। और आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म, ये इतना ही घेर आता है इसका घेर। तो मैं आपको जब मैं अपना पिक डालूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और ये इसका ब्लाउज़ है, ये देखिए इस तरीके का कुछ ब्लाउज़ है, और इसके अंदर अस्तर दिया हुआ है। अब ये जो मटेरियल है ये बैंगलोरी सिल्क है। सो आई थिंक द कलर, द प्रिंट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ शोन इन द वेबसाइट। हाउ एवर इसका जो घेर है वो घेर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। सो गाइज़, मैं एक्चुअली अपना पिक नहीं डाल पाई, द रीज़न बीइंग इसका मुझे कमर में आया ही नहीं। सो मैंने मेरा नीस का पिक्चर डाला है, सो दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो इसका कमर का जो जो कमर का एक्चुअल मेजरमेंट है वो काफ़ी कम है, वो मुझे भी फिट नहीं आया। सो या ये जो लहंगा आता है दैट इज़ एन अनस्टिच्ड लहंगा। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक साइड से बंद रहता है और दूसरे साइड से ये ओपन रहता है, ताकि आप उसको अपनी कमर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकें और सिलवा सकें। ऑफकोर्स द ब्लाउज इज़ ऑल्सो अनस्टिच। सो जो भी आप ये लहंगे ऑर्डर करते हैं वो एक साइड से ओपन आते हैं। ऑल एंड ऑल ये लहंगा मेरे लिए वॉज ओके ओके, नॉट। सो लेट्स गो टू अनादर लहंगा एंड सी हाउ इज़ दैट। ऑल राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट लहंगा है वो है इस तरीके से, कुछ पैक में आया है, दिस इज़ हाउ इट इज़। इसका जो वेबसाइट पिक है वो मैं यहाँ साइड में डाल दूंगी अलॉन्ग विद द प्राइस। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ लहंगा दिख रहा है उसमें। सो लेट्स जस्ट क्विकली ओपन कि हमें किस तरीके से रिसीव हुआ है। द थिंग दैट वॉज मैंशन वॉज इट्स एन एम्ब्रॉयडर्ड वन। सो इस तरीके से कुछ ये लहंगा आया है मुझे, इट्स ब्लैक इन कलर, इस तरीके से आया है। और ये पूरा यहाँ पे ये गोल्डन कलर की पूरा जरी का काम किया हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, हालांकि आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, द रीज़न बीइंग इसमें अस्तर नहीं है अंदर, मुझे एक्सपेक्टेड था, यूजुअली अस्तर होता है बट इसमें अस्तर ही नहीं है। तो अगर आप इसे लेंगे, ये वाला लहंगा लेंगे आपको, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अस्तर ख़रीदना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लहंगा एंड दिस इज़ द ब्लाउज दैट आई हैव गॉट अलॉन्ग विद इट। दिस इज़ हाउ आई हैव रिसीव्ड द ब्लाउज, पिंक कलर का ब्लाउज है, एंड द पिंक कलर इज़ नॉट द डार्कर पिंक, बट इट्स अ कोरल पिंक टाइप का कलर है इसके ब्लाउज का। सो आई एम हैप्पी विद इट। और ये ऐसा सिल्क टाइप का कुछ फैब्रिक है, और इसका घेर जो है, इसका घेर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका घेर काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसका भी पिक जो है यहाँ मैं साइड में डाल दूंगी, मी यू नो वेयरिंग दैट लहंगा। ऑफकोर्स मैं उसको स्टिच नहीं करवाया है, मैंने उसको
बस जस्ट एडजस्ट किया है ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया आ सके कि वो आपके बॉडी पे कैसा दिखेगा. ऑफकोर्स सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, बट देन यू कैन जस्ट हैव अ लिटिल आइडिया कि हाउ एग्जैक्टली द रियल पिक लुक्स और वेबसाइट में कैसे दिया हुआ है. सो दिस वॉज द सेकेंड लहंगा एंड आई एम लाइक क्वाइट हैप्पी फर्स्ट वाले से कि उसका मुझे वो घेर पसंद नहीं आया. इसका घेर काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें अस्तर नहीं है, दैट इज़ अ माइनस पॉइंट. सो या दिस इज़ द सेकेंड लहंगा. लेट्स सी हाउ द थर्ड लहंगा इज. आई हैव वेरी हाई होप्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पैकेट वो बहुत अच्छा दिख रहा. तो मैंने आपको बताया कि मैं उसके लिए बहुत वेट कर रही थी, तो वो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ. सो लेट्स गो टू द थर्ड लहंगा. सो जो हमारा थर्ड लहंगा है गाइज, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज वेबसाइट पे इसका जो पिक्चर था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड. सो जैसे ही आया सबसे पहले मैंने वही लहंगा खोला. सो आई वॉज प्रिटी हैप्पी अबाउट द लहंगा अकॉर्डिंग टू द प्राइज दैट आई हैव पेड फॉर द लहंगा. सो आई जस्ट क्विकली शेयर द लहंगा विद यू. दिस इज़ द लहंगा दैट आई हैड ऑर्डर्ड एंड इसका जो वेबसाइट पिक है वो मैं यहाँ साइड में डाल देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए अलॉन्ग विद द प्राइस दैट आई हैव पेड फॉर द लहंगा. सो लेट्स जस्ट क्विकली ओपन दिस लहंगा एंड सी कि कैसे हमें रिसीव हुआ है. आई एम प्रिटी हैप्पी विद द लहंगा. सो लेट्स जस्ट सी. अगेन इट्स अ बैंगलोरी सिल्क फैब्रिक दैट आई हैव रिसीव्ड और इस तरीके से इसका बेल्ट दिया है. देखिए गोल्डन कलर का ये चौड़ा सा बेल्ट है. अगेन वन साइड ओपन है फॉर यू टू गेट इट स्टिच्ड अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स. एंड आप इसका प्रिंट देखिए, इसका जो फ्लोरल प्रिंट है बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का प्रिंट है फ्लावर्स का एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन ऑफ वाइट. इट्स नॉट अ वाइट लहंगा, इट्स एन ऑफ वाइट लहंगा एंड इसका घेर बहुत ही अच्छा है. ये देखिए इसका घेर बहुत ही अच्छा है गाइस एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई ऑर्डर्ड इट. सो अलोंग विद दैट इसमें ये बहुत ही सुंदर सा इसका ब्लाउज का कलर कॉम्बिनेशन दिया है. ये पीच पिंक कलर है, इट्स नॉट अ प्रॉपर पिंक कलर, इट्स अ पीच पिंक कलर. सो आई एम रियली हैप्पी दिस इज हाउ इट इज़. ऐसा अंदर से अटैच होके आया है एंड अलोंग विद दैट इसमें अस्तर भी दिया हुआ है अंदर से. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर लहंगा. इसके साथ ये ब्लाउज और चोली और लहंगा तो आया ही है, इसके साथ मुझे दुपट्टा भी मिला है. बट आई एम ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट हैप्पी विद द दुपट्टा एट ऑल, बट इट्स ओके. दूसरा दुपट्टा मैच करके ले लूँगी. इस तरीके से ये कुछ दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है और ऐसे कुछ गोल्डन सा इसमें गोटी का ये लाइनिंग यहाँ लगा हुआ है एंड इट्स अ वेरी लाइक यू नो वेरी रफ काइंड ऑफ मटेरियल दुपट्टे का. सो इट्स वेरी स्टिफ, इट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ भी है, वो सॉफ्ट मटेरियल नहीं है दुपट्टे का. सो आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द दुपट्टा. सो मे बी आई जस्ट यू नो थ्रो इट अवे और गिव इट टू समवन. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द दुपट्टा बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द लहंगा चोली एंड आई विल लीव द पिक ऑफ मी वेयरिंग द लहंगा ट्राइंग द लहंगा एंड you can just see how lovely it looks. Of course, अगर कोई इंसान मुझसे और ज़्यादा पतला है तो उसका घेर बहुत ज़्यादा आएगा. So you can definitely go for this particular lehenga. I'm very very happy with it and it's a must buy from out of the three. This one is my favorite because the color is very nice and I love pink color as well. और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. So I'm really liking it. So these were the three lehengas that I ordered from Flipkart and I share the reviews. I hope you liked the video and if you did like the video please do give thumbs up and share it with your friends. Subscribe to my channel if you are new. If there are any suggestions for me to help me improve in my videos, if there is any topic that you would like me to suggest, so please do that in the comment section below. Till then it's a bye from my end. Be safe and be kind to one another. Bye bye.